हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो जस्ट अभी मैं सो के उठा हूँ और आज 8 बजे सो के उठा हूँ, 8 बजे पता ही नहीं चला। और भाई मैं सोचा कि चलो जन्माष्टमी है तो उसके लिए कुछ तैयारी किया जाए, मार्केट जाया जाए, फल लाया जाए, बूंदिया लाया जाए। तो भैया अभी सीन ये हो रखा है कि बारिश बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है बाहर में, बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कोई ऐसा जन्माष्टमी नहीं है भाई, कोई ऐसा जन्माष्टमी नहीं है जब पानी ना पड़ा हो। पहले होता क्या था ना भाई, शाम के टाइम में सिर्फ पानी पड़ता था, लेकिन पानी पड़ता था। और अभी भाई सुबह से ही पानी लगा दिया है, अगर इसी तरह रहा तो भाई कुछ नहीं होने वाला, नॉर्मल पार होने वाला है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल से भी नॉर्मल पार होने वाला है। ना ही प्रसाद आ पाएगा, ना ही कुछ आ पाएगा। समझ रहे हो ना भाई क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? अब देखते हैं, पानी छूटने का वेट करते हैं कब तक छूटता है। तब तक मैं भी थोड़ा नाश्ता वास्ता खा के रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि भाई आज बहुत ही ज़्यादा काम है। बात करें तो दाल चावल चुस्ता और ये आलू का भुजिया। तो खाना वाना हो चुका है, अभी देखो वहाँ पे, अरे यार दिखता ही नहीं है, पता नहीं ब्राइटनेस क्यों दी नहीं, उधर धूप ज़्यादा है ना उधर, इसलिए नहीं दिखता। तो फिलहाल अभी मैं जूता पहन रहा हूँ, क्योंकि जाना है मार्केट फल वल लाने के लिए, बहुत कुछ चलाना है। आप लोगों को आज के ब्लॉग में यही दिखाने वाला हूँ, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और भाई बहुत ही ज़्यादा काम भी है आज, मतलब 24 आवर, मतलब यार अभी के टाइम में ना 18-20 घंटे में बिजी होने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा। कुछ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ ब्लॉग बनाने वाला हूँ और काम करने वाला हूँ। अब देखो कितना ज़्यादा बिजी रहता हूँ आज, कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो हमारे साथ आज उमेश भी बिजी होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा, यार बोरा वोरा डालना पड़ रहा है सामान लाने के लिए। उमेश, ये रास्ते के बारे में, हम लोग का जो रोड है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो गाइस ये रोड पूरा माँ बहन वाला रोड है, जब भी गाड़ी लेके आते हैं बरसात में पूरा माँ बहन हो जाता है गाड़ी। देखो यार, तो आप समझ ही सकते हो, खराब हो चुका है रास्ता बारिश के टाइम पे। देखो देखिए कितना ज्यादा खराब रास्ता है भाई, पूरा गड्ढे हो रखे। ये रास्ता हम लोग का गाँव से ना इधर डुमरी तरफ जोड़ता है, बहुत ही ज्यादा खराब रास्ता बारिश के टाइम पे भाई, कसम से दो लोड जा नहीं सकते हो, इतना ज्यादा स्लिप करता है। और तो और भाई सब जगह गड्ढे मिलेंगे, सब जगह पूरे का पूरे, यहाँ से लेकर यार मेरा घर, मेरा गांव से लेकर भाई पिपराड़ी तक, जो भी वहाँ ओवरब्रिज की तक, पूरा गड्ढे गड्ढे मिलेंगे। देखो और हर गड्ढे में पानी भरा पड़ेगा, भरा पड़े, लेकिन ये रास्ता कभी ठीक नहीं होगा और ना ही कभी बन पाएगा ऐसा लगता है। ये इधर ये जो रास्ता है ना, गाँव दो गांव को जोड़ता है, दो तीन गांव को, मेरे मिला के दो तीन गांव को जोड़ता है, बट क्या कर सकते हैं, और भी है बट उधर उधर घूम के जाना पड़ता है 7-8 किलोमीटर घूम के। देखो उमेश जा ही रहे मार्केट, और कुछ बोलना चाहेंगे मेरे दोस्त? नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि गड्ढे देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं सोच रहा कि गाड़ी कैसे उस पार लेके जाएगा गड्ढे से, बस। और यार कमेंट करके जो बताना आप लोगों को, ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, सब कुछ बताना कमेंट करके, सब कुछ। मुकेश अंबानी हूँ नहीं जो झुकतियों में रोड बना दूं। तो पूजा भंडार में जाके कृष्ण भगवान का मूर्ति लेना है और कपूर भी लेना है। तो ये रहा, तो गाइस फाइनली कृष्ण जी का मूर्ति लेना है। बोलो बस, ले लो। तो ये वाला ले रहे हैं हम लोग, देखिए कैसा है। सीरियस बोल, कृष्ण भगवान का इतना अच्छा लग रहा है। तो फाइनली यार ले लिया हूँ एक छोटा वाला, कृष्ण जी का मूर्ति दिखा रहा था वो 90 रुपये, अच्छा मेरे को लगा नहीं, इस कारण से मैंने 160 रुपये वाला ले लिया, थोड़ा सा बड़ा था। और इसे बड़ा तो मिलता ही नहीं है, देखिए कौन, इसे बड़ा मिल ही नहीं रहा था, तो भाई बस इसी को लिया हो। अब लेना क्या है, केला और बूंदिया लेना। केक दे दिया, 10 रुपये दो एक दिया है गाइस, ठक लिया हम लोगों को यार। तो गाइस देखो अभी हम लोग को ठक रहा है यहाँ पे, 10 दर्जन ले रहा हूँ, चला कुछ भी डिस्काउंट नहीं दे रहा हम लोगों को यार, गजब आदमी। देखो एकदम हाथ सर आया, एकदम गजब आदमी, डिस्काउंट डिस्काउंट देने बोलता यार भाई, हमेशा फल वल जो है ना यहीं से लेके जाता हूँ, लेकिन फिर भी डिस्काउंट नहीं देता। देखते हैं क्या सीन रहता है, अभी तो इसको पहले वीडियो में तो नहीं खिचखिचा सकता ना, वीडियो काट के मैं इसको भी खिचखिचाऊंगा, डिस्काउंट मांगूंगा पूरा। बोलो रे गाइस, दुर्गा, ए दुर्गा रे,
बोले रे ले चुका, मजा नहीं आ रहा गाइस। केला में क्या मजा नहीं आता बताइए तो। बहुत पैसा लग गया गाइस, बहुत पैसा लग गया। तो दुकानदार वाला भैया बोल रहे कि दो गो केला कम देगा। देखिए भैया क्या बोल रहे, देखिए क्या बोल रहे ये पूरा मुस्कुरा दिए, जैसे वीडियो में आते हैं कोई मुस्कुरा देता है। चले ठीक है, वीडियो में बने रहे, अभी केला लेके जाएंगे फाइनली बूंदिया लेने। तो यहाँ पे केला ले चुका हूँ और 10 दर्जन का भाई 50 रुपए बोल रहा था, लेकिन यार हम लोग जो है ना खिचपिचा के एकदम 40-45 रुपए पहले बोले थे, 40 रुपए माना नहीं, बट 45 रुपए में हम लोग का डील हो चुका और भी पूरे मार्केट में हम लोग पता कर लिए। लेकिन यार बोल रहा था 10 रुपए कम करूंगा, 20 रुपए कम करूंगा, उससे ज्यादा कोई कम करना ही नहीं चाह रहा था। तो और केला भी अच्छा अच्छा नहीं था, ठीक है, केला भी अच्छा अच्छा नहीं था, पूरा छोटा छोटा था केला। तो मतलब अगल बगल से अच्छा और बेटर यहीं पे लगा, ठीक तो ले लियो यहीं पे। और अभी जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे बूंदिया लेने के लिए। हम लोग यहाँ पे एक फैक्ट्री है, बूंदिया लड्डू मिठाई रसगुल्ला वसगुल्ला सब कुछ मिलते हैं, तो वहीं से जाके हम लोग 10 किलो उठाएंगे जो भी रेट देगा वहाँ से, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। और भाई मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, रात के 2 बजे से जो पानी पड़ रहा है, सुबह के 8 बजे तक 8:30 बजे तक पानी पड़ा, उसके बाद थोड़ा बहुत अभी छूटा है, बट मौसम ख़राब ही चल रहा है, कभी भी पानी आ सकता है, कुछ कोई गारंटी नहीं है उसका। तो गाइस अभी फाइनली फैक्ट्री में आ चुके हैं, तो आपको अंदर दिखाते हैं कैसा सीन है इधर। तो देखिए इधर अंदर का एंट्री कैसा है, ये गाड़ी है जहाँ से माल पहुँचाया जाता है, केबिन है, ऑफिस केबिन है, जो भी है। कैसे रुपए केजी है? 90 रुपए केजी है अभी। तुम लोग 5 केजी 10 केजी लेंगे, दुकान में मिलता है 130-120 करके ऐसे कुछ करके, समझ रहे हैं ना। तो गाइस बूंदिया ले लिया, देखिए आ रहा 10 केजी, बताओ कितना खुशी है। खुशी क्या यार, 900 के लफड़े लग गए। तो भाई फिलहाल 900 गया। फिलहाल ये दुर्गा का जो शादी था ना, जो इस बंदे का शादी था, उसके लिए पार्टी बूंदिया और केला सभी को देगा, लेकिन साला चिकन और मटन का पार्टी नहीं देता है। तो आते आते अभी आधा भींग गया यार, फिर से भींग गया, पूरा भींग गया, पूरा लग गया, पूरा कपड़ा उपड़ा यार, पानी छूटता ही नहीं है, क्या बताएं गाइस। अभी घर आ चुका हूँ और थोड़ा देखो पानी पड़ता ही है, अभी भी थोड़ा बहुत पानी, हल्के हल्के पानी पड़ रहे हैं। 85 टके वाला 50 पीस हो, और एगो 40 टके दो लो 25 पीस। ये पानी ना छूटने वाला नहीं है, और भाई लाइट सुबह से नहीं है, लाइट सुबह से नहीं है, और 50% बचे फोन में, 100% में से 50% बचे, तो 50% ना रात को ब्लॉग बनाऊंगा, नाइट में शूट करूंगा, ठीक है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं वो भी दिखाऊंगा, कितने लोग आते हैं वो भी दिखाऊंगा। और हम लोग प्रत्येक साल मनाते हैं, और एवरी साल एवरी ईयर भाई हर साल पानी पड़ना ही पड़ना जरूरी है, फिक्स है, कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, 100% फिक्स है कि पानी पड़ेगा पड़ेगा। तो चलो ये ब्लॉग ना कैसा लगा कमेंट करके जो बताना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड लव यू यार। और कमेंट करके जो बताना आप लोग भी किस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी मनाए, या फिर आप लोग के यहाँ मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, सारा का सारा कुछ कमेंट में जो करना।